क्या है भाई? मैं गाड़ी बैठा हूँ, देखी ये गाड़ी यार, कहाँ देखी है, बुरी वाली। ये इसके साथ है ना नीचे, वो बना दिया। फ्रिक्शन नहीं, नहीं फ्रिक्शन नहीं है इसका, बस ये डाबा 29। नूनी घी भी मिलेगा क्या? बस फिर नूनी घी चाहिए। भाई ये है भाई का रेस्टोरेंट, है सेक्टर 29 में, देखा होगा। मतलब मैंने ना पहले एक दो शूट कर रखी है मैंने पीछे की साइड ढाबा 29 में, तो यहाँ अंदर में मतलब शूट नहीं करी इस वाले एरिया में, क्योंकि इसमें लाइटिंग मुझे लगती है कम, लाइटिंग की वजह से अपने हिसाब से ना लाइटिंग थोड़ी कम है बाहर की तरफ। वो चाइनीज पांडा ऊपर वो बढ़िया था, ड्यूटी फ्री के ऊपर करवाया था वो शूट, वो तो स्वैगर का करवाया था ड्यूटी फ्री में। ये चल रहे हैं नहीं चल रहे अभी? ये बंद हो गया, फ्रिक्शन बंद हो गया, स्ट्राइकर बंद हो गया, हुक बंद हो गया। तुमने खोला नीचे? ढाबा का ही सेम थीम के साथ बना रहे हैं नीचे, लीगल का लाइसेंस ले लेंगे यहाँ से, रास्ता चला जाएगा नीचे। अच्छा ठीक है, और चाइनीज के रेस्टोरेंट में कर रहे हैं डिस्क। लेना फोन लेना मेरे को, यही चले MGF में इमेजिन स्टोर चल लेंगे, चल लेते हैं वहाँ। कौन सा लेना? 13 Pro Max? मैक्स लेना है, प्रो लेना है? मैक्स ही मेरे को ले, मैक्स ही लेना मेरे को भी। अभी तो चलो फिर चलते हैं उसके हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है भाई, मस्त लग रही है। ये आ चुकी है अपनी लस्सी, दाल ढाबा ये ऑथेंटिक, ये दाल ढाबा है, और ये बैंगन का भरता, ये भी ऑथेंटिक है, बैंगन का भरता। तो खाना खाने के बाद आ चुके हैं अपना, इसको थोड़ा बाय बाय करने अगर मिल गया तो। फिलहाल चाहिए तो मेरे को मतलब 512, लेकिन अगर महंगा पड़ेगा तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना फिर 256 ही ले लूँ, मतलब कम तो नहीं लूँगा, 128 तो नहीं लूँगा बिल्कुल भी। चले भाई, अच्छा बुलाएंगे, अच्छा अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। ये वाला लिया मैंने नया मैकबुक, ये अरे अच्छा इस पे 5000 है भाई, 5000 कैशबैक है, 5000 रुपये कैशबैक मिलेगा भाई, 5000 रुपये अब तू है ना। ये इंक्लूसिव, अच्छा इसका ही है। ये बताओ इस कलर में चल है, यही देखना चाहिए। ब्लू मैं ब्लू कलर मतलब नीला रंग को देखते हैं भाई, पूछते हैं ना कितने का है, चलो उसके बाद पूछते हैं नो कॉस्ट EMI वगैरह क्या चीज़ है, किस पे मिलेगी ये सुनी। तो हम देख के तो मजे लेने लग गए, हमने ये नहीं पूछा कि वहाँ पे मतलब आईफोन है भी या नहीं है, तो वहाँ पे था ही नहीं। अब एक और जगह जा रहे हैं गुड अर्थ में पता चला है कि वहाँ पे एक पीस बच रहा है, तो एक बार देख लेते हैं, अगर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो पहले ये पता करना पड़ेगा कि मिलेगा कहाँ, क्योंकि कलर भी नहीं मिल रहे और 256 GB में भी नहीं मिल रहा, 256 देख रहे हैं। सुबह था कोहरा, लेकिन इस टाइम मुझे नहीं लग रहा है ये पोल्यूशन ही होगा, ये तो फायदा जब मैं ही नहीं ले पा रहा तो कल वगैरह खुशी चल रही है, टेम्पर देते हैं, छोड़ यार बालक, बालक कैब का किराया दे दो। एक काम करना तू कल से यूज़ कर लियो, आज से मैं यूज़ कर लेता हूँ, अभी तो तू चला ही रहा है। सो हॉस्पिटल से मैं आ गया हूँ, आके मैंने घर पे खाना वाना खाया मम्मी के साथ में, और उसके बाद अब निकला हूँ क्योंकि मनीष को लाइट चाहिए थी, वो शूट कर रहा है कुछ और उसके पास लाइट नहीं थी, तो उसने बोला भाई लाइट है तो ले आ एक बार, अर्जेंट है, तो मैंने उसके यहीं जाने लग रहा हूँ ऑफिस में। बाकी हीना को क्या हुआ है, हीना को पथरी थी पेट में 12 mm की, तो वो दर्द कर रही थी, इस चक्कर में उसका आज ऑपरेशन था, इसलिए जी आ रखे थे, उसका ऑपरेशन हो गया है, सही हो गया, बट दर्द अभी बहुत है, तो वो भी फिलहाल रेस्ट कर रही थी, जो आपने फुटेज देखी थी। एनेस्थीसिया जो दिया था ना उसकी, उसका नशा था। खड़ी अपनी गाड़ी और
भाई एक्चुअली में बड़ा सही व्यू है यार, रात को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब मैं सोच पा रहा हूँ अगर यहाँ पे दिवाली जब मन रही होगी तो इसके मुंह पे आ रहे होंगे सारे के सारे पटाखे, यहाँ पट रहे होंगे अगर नीचे कोई फोड़ रहा होगा तो। वो 11 बज गए भाई तो मैं तो निकल रहा हूँ, मैंने कहा इसकी शूट कंप्लीट नहीं होगी, मैं तो बस इसलिए पीछे रुक गया था। मैंने कहा भाई पीछे ना मतलब ऐसे वीडियो देखे जो बिहाइंड द सीन में कि किस तरीके से शूट हो रही है, बहुत टाइम हो गया था। मैंने कहा चल देखता हूँ कितना टाइम लगता है, मेरे को तो पता है अपना कितना टाइम लगता है, तो मैं सोचा देखता हूँ इनको कितना टाइम लगता है। बट इनको भी उतना ही टाइम लगा जितना मेरे को लग रहा था। मैंने कहा चल ठीक है देख लिया, अब निकलते हैं यहाँ से। लाइट दे दी, अब जहाँ से जाता हूँ मिनटों में घर पे। ठीक है तो भाई अब आगे कर हो गया, ये ऊपर आ जाएगी है? हो गया ना, ना अभी तो अभी तो शुरू कर रहा है यार, एक सीन तो। निकल रहा है क्या? हाँ निकल, थोड़ा सा रह गया, कितना टाइम हद मार के आधा घंटा हो जाएगा, आधे घंटे चल फिर निपटा दे। मैं तो ये देखना चाह रहा था, मैं पीछे से मैंने कहा यार कितना टाइम लगता है एक्चुअली में, भाई मेरे को तो बहुत टाइम लगता है। क्या किया है तुमने पटियाला ये बताओ भाई, मेरे कुछ नहीं कराया। ये देखो टाइम देखो यार, ये टाइम, हेलो टाइम देखो यार, 1 बज गया। कभी कभी मिलते हो यार, कभी कभी मिलते हो तो ये जुल्म उठाओगे क्या भाई हमारे साथ? क्या करे भाई, जबरदस्ती रोकना पड़ता है तुम्हें, बिजी आदमी हो ना तुम भाई। और जो इसने हाल किया है ना भाई, इतनी जल्दी करते है भाई, कल तक तो शूट ही खत्म हो जाएगा एक सीन में। बस ये मैं इसीलिए तो आया था, मैंने कहा चल देख लूं यार ये कितनी जल्दी खत्म कर देते हैं। अभी ये बोल रहा है कि परसों वीडियो डालनी है, परसों डालनी है भाई किसी अभी तो। अभी मैं भी टेंशन में हो गया, मैं कहा पता परसों वीडियो कैसे डालेगी, करते कैसे हो तुम ये सब, तो देखने आया था तुमने तो अभी भी नहीं दिखाया। ये मैं बोलने वाला था, ये बता ये क्या चाह रहे हो भाई? हमें एक सीन लेने जाना बाहर, रात के बज रहे कितने बज रहे, 1:30 या 1, तो सवा 1 सवा 1 बजे, सवा 18 मिनट हो रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है। और हमें बाहर का सीन लेना है और भाई उसके लिए चाहिए भी यार, कल फोन चाहिए भाई, परसों हो सके कहीं भी जाना पड़ जाए। अरे ये ना करवाया यार अभी तक, कुछ कुछ सिस्टम चल रहा है इसका, अभी करवाना है देखेंगे। ये मतलब ठीक ही है क्या, होगी तक सिर्फ सेट लूज हो रखा है। बाकी ठीक है, मेरे को ये बता रोका क्यों था यहाँ, मैं रोका क्यों था? तो घर जाके भी क्या ही करेगा अब, हमारे साथ स्ट्रगल तो देख, स्ट्रगल तो देख लिया, कुछ खाने वाने का देखता हूँ, उनको बालकों को मिल जाए तो, ना मिलेगा तो भाई अपने मैगी खा के सोएंगे। मैं यार मैं भाई तो कैसा ले घूम रहा है? अरे भाई डीजल बचाओ तेरी कसम भाई, एक नंबर डीजल में यार, तू अपनी क्यों स्विफ्ट चला रहा? मैं तो इतनी अब आदत पड़ रही है, मेरी भी इतनी एवरेज देती होगी, स्कॉर्पियो में कितना फर्क होगा भाई, इसमें ज़्यादा थोड़ी होगा, ज़्यादा है तेरी देती होगी 7-8 की एवरेज, मेरी भी 8-9 की एवरेज मेरी है, यो देव है 20 की एवरेज। अच्छा जी माँ का सब इतना फर्क है क्या, कल तो सारे स्विफ्ट में घूमूंगा फिर तो, मेरे को ना पता था, मैंने देखी भाई सब जो कोहरा हो रहा है ना बाहर, मतलब अब लग रहा था, मतलब आज से लग रहा है कि हाँ हो रही है ठंड, ऐसे वाला हिसाब है। मतलब आगे वाली गाड़ी की वजह से आपको थोड़ा बहुत आगे विजिबल होगा, नहीं तो भाई ये देखो मैं दिखाता हूँ, मैं फिर कोई विजिबल नहीं हो रहा, ये देखो घर जा रहा हूँ, कुछ खाने का इस टाइम तो मिलेगा ही नहीं, तो यहाँ से 24/7 से कुछ ले लिया है, घर जा रहा हूँ। इस व्लॉग को भाई यही एंड करता हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे हॉरर मूवी का सेट चल रहा हूँ ना, सारी तरफ धुंध ही धुंध, गाँव में जाते टाइम भी डर लग रहा है, मैं कहा यार गलत जा रहा है सही जा रहा है।